अज गुरमीत प्रचार सेवा दल वालों अमृतसर के सिंगा की एकत्रता गोल्डन गेट अमृतसर विखे हुई, जिस विच सारे सिंगा ने अपने विचार रखे ते सारे ने भाई रणजीत सिंह ढड्डियां वाले दे हर फैसले का डट के साथ देने का फैसला किया। इस मौके सारे सिंगा ने जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब नूं बेनती की कि भाई साहब नाल किसी भी टीवी चैनल से विचार कर की जाए तो पंथ में चल रही दुविधा का सुचेत ढंग हल किया जा सके। भाई साहब नूं बेनती की कि दीवान बंद ना किए जाण क्योंकि पंथ में प्रचार की बहुत लोड़ है। मेरा नाम जी असी भाई रणजीत सिंह वास्ते आए हैं, जो उन्होंने विरोध करते हैं उन्होंने बंद वास्ते आए हैं भी उन्होंने इदा का नहीं करना चाहिए। असं बहुत ठीक समझते हैं, वो जो कुछ सानू सेध दे रहे हैं बहुत वधिया सेध दे रहे हैं। वेखो जी कमेटी जी दबा तौर पर बनाई गई है, उन्होंने असी नहीं मानते, भाई साहब नहीं मानते तो असं भी नहीं मानते। वो कमेटी जिस तरह किसी की प्रैशर तौर पर बनाई गई है, सत्कार तौर पर हस्ती भाई सिंह साहब हरप्रीत सिंह उन्होंने बेनती की भी बह के बड़ी हाथ जोड़ के निम्रता साहब बेनती की भाई साहब ने भी साढ़े बह के गल करो, तो वह अगों नकारी कर रहे हैं, तो उन्होंने नकारी नहीं करनी चाहिए, उन्होंने बह के तो भाई साहब के नाल गल करनी चाहिए। आप सिरे के बंदे ना ही गल कर लीए सिंह साहब ने, आप क्यों भेजले विचोले पाइए, वो बंदे सारे टकसाल तौर पर आए ने, उन्होंने आप गल करनी नहीं चाहते। आप मांग यो है भी जे तो गलबात करनी है भाई हरप्रीत सिंह ने सिंह साहब ने गलबात करनी है तो भाई साहब के नाल करना, बाकी कोई गलबात दूजा जो बंद ने जना खना उठ के गल करता उन्होंने नहीं असं बहना। सिंह साहब ना तो करा बंदा नहीं, बंदा कोई भी जोड़ा है वो दबा तौर पर हर तौर पर बनाया जाता, वो बंदे किसी नहीं गलबात करा। नहीं नहीं वो भाई कोई गल नहीं गई, क्योंकि जो बंद जेड़ा तो बंदा लैक हो कुछ जाते हो तो पत्रकार जाते जे सारे मेरी सुनो गल वेखो जी भाई साहब अज तक जिन्ना उन्होंने सत्कार अकाल तख्त साहब का दसिया जो हूँ भी तुम पिछे जो सुनी उन्होंने वीडियो अज तक यह प्रचारक ने इतना दसिया ही नहीं गा, जिस तरह भाई साहब ने दसिया भी साहब ने अपना गुरु हरगोबिंद पातशाह ने तख्त बनाया राजे के एक बराबर से तख्त बनाया उच्चा, उस तरह उन्होंने तख्त बना के विखाया है सानू भी जिंदगी जीवन का बल दसिया है, वो तख्त बनाया हूँ उत्ते तख्त तो कुछ हो नहीं रहा। नहीं नहीं पर एक अलग मामला है, एक जो अकाल तख्त साहब तो जो हुक्म निकलता वो सिखां वास्ते मनन योग है, मनन योग मतलब वेखो जी मनन योग मनन योग पहला भी तो गांव भी रहूगा, पर जो उतों सही हुक्मनामा आऊगा जोड़ा हुक्मनामा माफ़ी दी गई वह भी सही है, जो उत्थे सीनियर हाँ जी बिल्कुल दबा थले बिल्कुल ही दबा थले जिन्नी बार मर्जी पूछ लो दबा थले उतों के हुक्मनामे आ रहे हैं। साड़ी मांग यो आ भी हरप्रीत सिंह जथेदार सत्कार योग ने वो भाई साहब के नाल बह के गल कर सकते हैं, होर कोई बंद के नाल असं गल करनी नहीं साढ़े भाई साहब चाहते। भाई साहब की एक वीडियो पुरानी आई ने सोशल मीडिया के जो मत्था टका रहे हैं, वेखो जी उन्होंने पहला कहता भी मैं किया आ उन्होंने पहला ही अपना जरा सफाई दे चुके भी मैं जो कुछ कर रहा हाँ पहला बाबाबाद के मैं किया मैं गलत हाँ, वो तो हूँ बार बार आपको करने की लड़ ही नहीं ना, वो जो उन्होंने कह ही दिता जो बंदा मन गया उस चीज़ में भी मैं गलतियां करता रहा हूँ उन्होंने तो की आखोगे बारे कहना भी सानू बड़ी वड्डी घाट इस चीज़ की सारियां नूं होगी, महा ते कौम जागन लगी ही इन्होंने बंदियों ने कौम जागन नहीं दी। ਹੋਰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਢੱਡਰੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਝੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੇਵਾਲਾ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਵੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਆਏ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ,
ਡਬੇਟ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲਾ ਜੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਜੈਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ, 40 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਜੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਆਪਣੇ ਰੱਖਣ, ਜੋ ਸੱਚ ਉਹ ਸੰਗਤ ਆਪ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਝੂਠ ਕੀ। ਅੱਜ ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਮਾਝੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਨਸੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਲਾਈਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।